दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई एम अर्शल मुदिराज, और आज का वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 रीजंस क्यों मिस्टर ओलंपिया 2018 इस साल बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है। वैसे तो सारे ही मिस्टर ओलंपियाज जितने भी आज तक हुए हैं सारे ही मेमोरेबल हैं, लेकिन इस साल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आगे जाके याद रहने वाली है, और हम हमेशा याद रखेंगे कि हाँ 2018 के ओलंपिया में हमको ये सब देखने मिला था। सो मैं आज आपको बताऊंगा मेरे टॉप 5 रीजंस, मेरे टॉप 5 पॉइंट्स जो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी बात होगी 2018 मिस्टर ओलंपिया की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फिल हीथ को लेके। हम सभी जानते हैं फिल हीथ ने 7 टाइम कंसेक्यूटिवली मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। 2011 से लेके 2017 तक वो डोमिनेट करते आ रहे हैं हर एक कंटेंडर, हर एक कॉम्पिटिटर को। और उनके सबसे बड़े थ्रेट इस साल है वो है बिग रैमी, विलियम बोनैक और शॉन रोडेन। मेरे टॉप 3 वीक से हैं ये। अगर फिल हीथ बहुत ही अच्छे कंडीशन के साथ अपना मिड सेक्शन को सुधारे, रिपेयर करे, और एक बहुत ही अच्छा फिजिक जो हमेशा वो लाते रहे हैं 2012 या 2016 की फिजिक आप देख सकते हैं। अगर इस तरह की फिजिक फिल हीथ ने ला दी, नो मैटर कि कौन सा कंटेंडर, कौन सा एथलीट कितने 100% में आता है, फिल हीथ ही इस साल जीतेंगे। और अगर फिल हीथ इस साल जीत गए तो वो 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे, यानी कि सिर्फ तीसरे आदमी पूरे बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री में, सिर्फ तीसरे, तीन ही लोग ऐसा कर सकते थे, और फिल हीथ वो थर्ड पर्सन बन सकते हैं जिन्होंने 8 बार कंसेक्यूटिवली मिस्टर ओलंपिया जीता है। हम सभी जानते हैं पहले ये 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब द ग्रेट ली हेनी और द किंग रॉनी कोलमैन ने जीता था, और बहुत सालों के बाद यानी कि जे कटलर का एरा खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 10 साल के बाद हमें देखने मिलेगा कि कोई एथलीट 8 बार कंटिन्यूस इस टाइटल को जीत सकता है। आप मुझे बताइए कमेंट्स में क्या लगता है आपको कि इस साल फिल जीत के 8 बार एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, अपनी लेगेसी बनाएंगे या नहीं। आगे जाते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर कि सेकेंड पॉइंट कौन सा हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है मेरा बिग रैमी को लेके। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं बिग रैमी को लेके इस साल कि शायद बिग रैमी इस साल एक अच्छी कंडीशनिंग, एक अच्छा पैकेज लेके आएंगे और फिलिप को अपना 8th यानी कि आखिरी 8वां टाइटल जीतने से रोक लेंगे। बहुत सारे ऑडियंसेस, इवन मैं चाहता हूँ कि बिग रैमी एक बहुत ही अच्छा पैकेज लाए और फिलिप को एक बहुत ही टफ फाइट दे। ये था सेकेंड पॉइंट बिग रैमी को लेके। थर्ड पॉइंट, फैंस ओपिनियन और फैंस का वोट। जैसे कि मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था कि इस साल इवन जो लाइव वहाँ पे जाके देखने वाले हैं इन पर्सन, ऑर्लिंस एरिना में जो स्टेडियम है वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जो फैंस, बॉडी बिल्डिंग फैंस जाके लाइव मिस्टर ओलंपिया जो देखने वाले हैं, वो खुद वोट कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। जो लोग वोट करेंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए और जिस एथलीट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे फैंस की ओर से, उस एथलीट को 2018 का मिस्टर ओलंपिया पीपल्स चैम्पियन का अवार्ड मिलेगा। मिस्टर ओलंपिया के हिस्ट्री में सबसे पहली बार कुछ ऐसा कारनामा किया गया है। जिम मैनियन और स्टीव वाइनबर्गर इन सब को लेके इन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसा भी फैंस को इंटरेक्ट करना चाहिए, फैंस को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर रह गए हैं और हम सिर्फ देखने आए हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है फैंस को अपने फेवरेट एथलीट को जिताने का, अपने फेवरेट एथलीट को पीपल्स चैम्पियन बनाने का। फोर्थ रीज़न है काई ग्रीन को लेके। काई ग्रीन ने रिसेंटली पोस्ट किया था जब ऐसा डिसीजन निकला था कि इस साल इवन फैंस भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं और मिस्टर ओलंपिया का पीपल्स चैंपियन अवार्ड किसी भी एथलीट को बना सकते हैं। काई ग्रीन ने उस पोस्ट पे कमेंट किया था कि नाउ इट्स माय चांस। बहुत स्पेकुलेशंस इसके ऊपर बने हैं कि इस कमेंट को लेके कि क्या काई ग्रीन इस साल कमबैक करने वाले हैं, क्या काई ग्रीन 2018 में आपके फिल हीथ को हरा सकते हैं, क्या काई ग्रीन पीपल्स चैंपियन बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक काई ग्रीन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है कि वो लोग कि काई ग्रीन कमबैक करने वाले हैं या नहीं। मुझे लगता है कि काई ग्रीन के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कमबैक करें। अगर काई ग्रीन कमबैक कर जाते हैं बहुत ही अच्छा चांस है काई ग्रीन को कि वो एक बहुत ही अच्छा हाइप क्रिएट करेंगे और उसी के साथ पीपल्स चैंपियन भी बन सकते हैं। अब एक बात याद रखिए,
ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर काई ग्रीन कमबैक करते हैं तो क्या काई ग्रीन मिस्टर ओलंपिया पीपल्स चैंपियन बन सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि काई ग्रीन पीपल्स चैंपियन बन सकते हैं। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मिस्टर ओलंपिया जब जज होता है तो जजिंग का एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया ये है कि अगर 5 लोग अपना वोट देने वाले हैं, सपोज आप कम्पीट करते हैं और मेरे साथ जजेस में 5 लोग बैठे हैं और 5 लोग अपना वोट देते हैं, मान के चलिए मैं अपना वोट आपको दे रहा हूँ और मैं सब में आपको हाईएस्ट नंबर दे रहा हूँ, यानी कि मेरे हिसाब से आप जीतने चाहिए, और जो दूसरा जो बैठा है, जो और मेरे साथ जो जजेस में बैठने वाला है, जो सपोज 5th जज है, वो आपको सबसे लोएस्ट स्कोर देता है, यानी कि सबसे आपको लोएस्ट नंबर आपको मिलने वाले हैं उस बंदे से। सो मेरे स्कोर्स और उसके स्कोर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि एक बोलते हैं कि पार्शलिटी नहीं होती, यानी कि कोई अगर आपको जीतना चाहता है तो वो भी नहीं जीता सकता, और कोई आपको हराना चाहता है कोई जज तो वो भी नहीं कर सकता। तो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर जो होता है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, और बीच में का स्कोर्स का एवरेज निकाल के एक एथलीट को जिताया जाता है। सो अगर काई ग्रीन कम्पीट करते हैं, काई ग्रीन कमबैक करते हैं, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे फैंस जो वहाँ पे आने वाले हैं वो काई ग्रीन को ही वोट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये। सो इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वोट्स काई ग्रीन को ही मिल जाएंगे, और जो क्राइटेरिया है कि सबसे ज़्यादा वोट्स और सबसे कम वोट्स को एलिमिनेट कर दो और बीच के वोट्स को कलेक्ट करके उसका एवरेज निकाल के एक एथलीट को जिता दो। सो इससे क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा वोट अपने काई ग्रीन को दिए लेकिन वो एलिमिनेट हो गए, काई ग्रीन उस शायद 2018 में नहीं जीत सकते। सो किस तरीके से वोटिंग होती है ये डिसाइड करेगा कि मिस्टर ओलंपिया का पीपल्स चैंपियन कौन होने वाला है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो विलियम बोनैक को वोट करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेक्स्टर जैक्सन को वोट करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिल हीथ को भी वोट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ बिग रैमी को वोट करेंगे। सो डिपेंड करता है कि कितने वोट्स और कितने कम वोट्स आए हैं एक एथलीट को। सो ज़्यादा सबसे टॉप वोट्स को एलिमिनेट कर देंगे, सबसे लोएस्ट वोट्स को एलिमिनेट कर देंगे, और जो बीच के वोट्स आए हैं उसका एवरेज जिस एथलीट का सबसे ज़्यादा आता है उस एथलीट को ही पीपल्स चैंपियन अवार्ड मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि काई ग्रीन अगर कमबैक करते भी हैं फिर भी वो पीपल्स चैंपियन का मिस्टर ओलंपिया का किताब नहीं जीत सकते, और ये फैंस की ही गलती होगी कि फैंस सबसे ज़्यादा काई ग्रीन को ही वोट कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो फोर्थ टॉपिक भी हो गया, और अब है फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ पॉइंट मेरा। सो फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है कि क्रिस बम्स्टेड को लेके। सो सिर्फ मिस्टर ओलंपिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिस्टर ओलंपिया में जो कैटेगरीज होती हैं उसके भी ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको जैसे पता है कि मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन नाम की एक कैटेगरी होती है जो मुझे बहुत ही पसंद है, और इस कैटेगरी में जो एथलीट्स आते हैं वो जो फ्रैंक ज़ेन, सर्जी ओलिवा जैसे क्लासिक बॉडी बिल्डर्स थे उसको मिमिक करते हैं, उस लेवल की फिजिक लाने की कोशिश करते हैं। सो आप जानते हैं कि 2017 के क्लासिक डिवीजन के विनर थे ब्रियान एंजली। सो हो सकता है कि इस साल भी ब्रियान एंजली ही जीते, क्योंकि जो फिजिक ब्रियान एंजली लेके आए थे 2017 में हैंड्स डाउन बेस्ट फिजिक थी। लेकिन वही क्रिस बम्स्टेड भी ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिसके पास बहुत ही अच्छा फैन बेस है, बहुत ही अच्छी हाइप है, बहुत ही अच्छा स्टीम है। अगर वो और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर जाए तो मुझे लगता है कि 2018 के क्लासिक डिवीजन के विनर ब्रियान एंजली ना होके क्रिस बम्स्टेड हो सकते हैं। तो ये थे मेरे टॉप 5 रीजंस कि आप आने वाले सालों में इन टॉप 5 रीजंस को याद रखेंगे और 2018 को इतना मेमोरेबल ओलंपिया बताएंगे। सो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि किस पॉइंट को मुझे और इंक्लूड करना चाहिए था इस वीडियो में, किस पॉइंट को मैंने मिस किया, और आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या ओपिनियंस है 2018 के ओलंपिया को लेके। हम सभी एक्साइटेड है कि क्या होता है इस साल, फिलिप को लेके, बिग रैमी को लेके, फैंस के ओपिनियन को लेके। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो शायद मैं मिस कर सकता था इस वीडियो में, लेकिन जो टॉप 5 कॉमन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना दोस्तों कि क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, और मुझे बताना कि क्या आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो YouTube के ऊपर अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपने फ़ोन, PC, टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर नोटिफिकेशन आ जाती है, और आप मेरे ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। आई एम अर्शल मुदिराज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट।